एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तो नहीं, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है अटलांटिक ओशन करेंट्स। इससे पहले हमने क्या जाना था, इससे पहले हमने ओशन करेंट्स के बारे में जाना था, वो कैसे बनते हैं, क्या क्या उनकी फोर्सेज होती हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे वो इफेक्ट डालते हैं अपने क्लाइमेट को। और उससे भी पहले जब हमने ओशनोग्राफी की जर्नी स्टार्ट करी थी, उससे पहले हमने माइनर और मेजर कुछ रिलीफ फीचर्स जाने थे ओशंस के, सेलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी के बारे में जाना था, कुछ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर यानी कि हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल होते हैं उनके बारे में जाना था, जिसमें वेव्स के बारे में जाना, सुनामी के बारे में जाना, टाइड्स के बारे में जाना। तो धीरे धीरे कैसे हम अपनी जर्नी ओशनोग्राफी की कंप्लीट करते जा रहे हैं ना, हमें पूरे ओशंस के बारे में जानना, इतने बड़े बड़े महासागर हैं यार, इनके बारे में जानना तो जरूरी हो जाता है। तो आज हम उन्हीं को जानने निकले थे, तो आज हम यहां तक पहुंचे हैं अपने अटलांटिक ओशन करंट तक। तो अटलांटिक ओशन करंट से पहले कुछ क्विक रिविजन कर लेते हैं कि करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है, हमने जाना था कि जो विंड्स हैं उसकी वजह से वेव्स बनती हैं, वहीं विंड्स और सेलिनिटी, डेंसिटी, इनके डिफरेंस से ओशंस बनते हैं, यानी कि जो ओशन को जो चला रहे हैं, जो उनको ड्राइव कर रहे हैं, उन वो हैं विंड्स, यानी कि जो प्लेनेटरी और परमानेंट विंड्स हैं वो ओशन करेंट्स को जो ड्राइव कर रहे हैं वो हैं विंड्स, और वहीं सेलिनिटी और डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से भी वो लोग डायरेक्शन उनकी तय होती है। वहीं हमने जाना कि जो करंट है, जो जहां से जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उस डायरेक्शन में नाम लग दिया जाता है। अगर वो ईस्ट जा रहे हैं तो वो ईस्टर्ली करंट हो जाएंगे, अगर नॉर्थ साइड जा रहे हैं तो नॉर्थ करंट हो जाएंगे। और विंड्स के कंपैरिजन में हमने जाना था कि विंड जहां से ओरिजिन होती है उसका नाम वहां से तय होता है। अगर वो ईस्ट से ओरिजिन हो रही है तो वो ईस्टर्ली विंड्स हो जाएंगी, वेस्ट से ओरिजिन हो रही है तो वो वेस्टर्ली विंड्स हो जाएंगी। लेकिन करंट में इसका अपोजिट होता है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उस डायरेक्शन में उनका नाम रख दिया जाता है। वहीं हमने कुछ फोर्सेस जाने थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो थे हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी और क्रियोलिस फोर्स। उसके बाद हमने इफेक्ट्स को जाना था, क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी इफेक्ट करते हैं, रेनफॉल, फॉग फॉर्मेशन, डेजर्ट फॉर्मेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स को इफेक्ट करते हैं। वहीं हमने जाना दो टाइप्स के करंट्स होते हैं, एक कोल्ड करंट्स और एक वार्म करंट्स। उसको हम आगे देखेंगे कौन से कोल्ड होते हैं, कौन से वार्म होते हैं, कैसे कैसे ये इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने एक टर्म जानी थी गायर्स, उसके बाद हमने देखा था कि अकुमुलेशन ऑफ वाटर उसको कहते हैं गायर्स। ये क्लॉकवाइज चलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये तो हो गया अपना एक क्विक रिवीजन अपने अटलांटिक ओशन करंट्स का स्टार्ट करने से पहले। आई होप जिसने प्रीवियस वीडियोज ना देखी हूँ तो वो प्लीज जाके देख ले, ताकि आगे वाली जो वीडियोज हैं तो वो अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। वहीं क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी की मैंने काफी अच्छे से बना रखी है वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए, तो प्लीज उसको भी जाके देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अटलांटिक ओशन करंट्स। ये है अपना अटलांटिक ओशन और आज हम पढ़ेंगे अटलांटिक ओशन करंट्स के बारे में। ये अपने कौन से कंट्री कॉन्टिनेंट से समझ आ रहे हैं, ये अपना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ये अपना पूरा अटलांटिक ओशन और इधर क्या है, पैसिफिक ओशन। तो ये अटलांटिक ओशन के हम कुछ करेंट्स हैं, कुछ कोल्ड और वार्म करेंट्स हमें पता है ना। जो करेंट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कोल्ड और एक वार्म। वहीं हमें ये चीज देखनी है, जो करेंट पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है वो होगा कोल्ड, यानी कि पोल टू इक्वेटर की तरफ आ रहा है वो, यानी कि पोल से, नॉर्थ पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आ रहा है इस डायरेक्शन में है तो वो होगा कोल्ड करंट। वहीं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, वहीं इक्वेटर टू पोल्स की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो वो होगा वार्म करंट। ये एक तरीके से क्या है, ये ट्रिक मान लो, है ना, ये एक तरीके से मीठी गोली। कोल्ड और दो टाइप्स के करंट, कोल्ड और वार्म। कोल्ड करंट वही होंगे जो जिसकी डायरेक्शन पोल से इक्वेटर की तरफ होगी, और वार्म होंगे जो इक्वेटर की पोल की तरफ आ रहा है। वहीं हम पढ़ते हैं अपने अटलांटिक ओशन को, इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक नॉर्थ अटलांटिक और एक साउथ अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन। अब हम पढ़ते हैं पहले नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है जो अपनी विंड्स हैं वो कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं, किसका, करंट को फ्लो करने में, उनके डायरेक्शन को। तो हमें पता है यहाँ कौन सी विंड्स चलती हैं, यहाँ ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो जो ये विंड्स है इधर आ रही है, ये है इक्वेटर, ये क्या है, जीरो डिग्री इक्वेटर, ये है इक्वेटर लाइन, ये है इक्वेटर लाइन।
तो यहाँ जो आगे वो ट्रेड विंड्स मिलती है तो वो किधर, जो ये विंड जो अपने करेंट्स हैं वो इधर, ये है नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट, ये वाला, ये इधर फ्लो करता है, इधर नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट, वहीं इन साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट, ये दोनों ही करेंट हैं जो कि इक्वेटर के पास फ्लो करते हैं, एक तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट और साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट, ये दोनों ही इक्वेटर के पास फ्लो करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक की, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एक रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और एक रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये कहां पे करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और ये साउथ अटलांटिक ओशन में। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो करेंट्स हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, किस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रियोलिस फोर्स। हर चीज का रीजन है ज्योग्राफी में, ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जी से कि चलो भाई जहां जाना भेड़ भाड़, अगर ये एक करंट यहाँ मैं इसका ये इसने कहा मेरा मन तो इधर जाने को, तो ये सारे ये भी कह रहे हैं चलो भैया को फॉलो करो इनके पीछे चलेंगे, नहीं भैया को फॉलो नहीं करना, जो उसका रीजन है वो उसकी वजह से जा रहे हैं और वो ये भी इसकी वजह से जा रहे हैं। तो क्या है इनकी डायरेक्शन का रीजन, क्रियोलिस फोर्स। तो यहाँ से ये चले नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट और साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, वहीं फिर ये जाके यहाँ इधर फ्लोरिडा की तरफ चले जाते हैं, फिर ये फ्लोरिडा से करंट निकलता है, वहीं गल्फ स्ट्रीम एक करंट है, फिर उसके बाद ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये एक करंट है, और ये कैनवे एक करंट है, ये कोल्ड करंट है। क्या है कैनवे, कोल्ड करंट, क्यों, अब इसकी डायरेक्शन देख रहे हो नॉर्थ से क्या है इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो ये क्या है कोल्ड करंट। तो मेनली हमें पहले चार याद करने हैं नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, वहीं तीन याद करने हैं, कैसे हमें पता चल गया नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल और साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, नाम से ही पता चल रहा है। फिर उसके बाद हमें तीन जो मेजर हैं गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और कैनवे, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और कैनवे, ये तीनों मेजर हैं जो करंट्स हैं, गल्फ स्ट्रीम कोल्ड वार्म करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट है, कैनवे कोल्ड करंट, ये याद रखना है जो कैनवे है वो कोल्ड करंट है। और ये यहाँ पे वेस्ट सहारा, यहाँ पे क्या मिलता है वेस्ट सहारा डेजर्ट मिलता है, वेस्ट सहारा डेजर्ट, तो यहाँ इस कोस्ट को पूरे को क्या करता है इफेक्ट करता है कौन, कैनवे कोल्ड करंट। वहीं ये कोल्ड करंट है लेबराडोर, ये क्या है लेबराडोर कोल्ड करंट है, क्यों है अब ये कोल्ड करंट, क्यों, एक तो ये पोल से आ रहा है, पोल से आ रहा है इसका एक रीजन है ना ये कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्लेशियर सी तो है, तो इसकी वजह से जो करंट आ रहे हैं कोल्ड है। वहीं ईस्ट ग्रीनलैंड ये भी कोल्ड करंट है, फिर ये यहाँ जाके ये नॉर्वे की तरफ चल जाते हैं, इधर नॉर्वे करंट हो गया ये, ठीक है ये अपना हो गया यूके यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट, और ये नॉर्वे स्वीडन ये वाली कंट्रीज हो गई। तो ये हो गया पूरा एक साइकिल नॉर्थ अटलांटिक ओशन का। वहीं हमने गार्स के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ क्या मिलेंगे गार्स और सार्गेसो सी, ये अपना सार्गेसो सी, ये क्या होता है सी विदाउट कोस्ट, यानी कि एक ऐसा सी जो बिना कोस्ट के है उसको हम बोलते हैं सार्गेसो सी, जो कहाँ मिलता है सेंटर में। और गार हमने पढ़ा था क्या होता है एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, यानी कि मैं ये अपना ग्लास है, ये एक ग्लास है इसमें पानी भरा है, इसमें अगर मैं उंगली से ऐसे पानी को हिलाऊं तो जो बीच में पानी एक्युमुलेट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे गार्स, क्या बोलेंगे उसका गार्स, तो वो यहाँ क्रिएट होते हैं। वहीं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सार्गेसो सी कहाँ मिलता है यहाँ पे, वहीं एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलती है ये जहाँ पे कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स मिल रहे हैं, ये गल्फ स्ट्रीम और लेबराडोर जहाँ ये आपस में मिल रहे हैं, यहाँ एक फिशिंग जोन क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है फॉग फॉर्मेशन क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना मासेस में दो मास जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रंट्स या मास जो मिलते हैं, तो क्या साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन जब पड़ रहे थे तो वो क्रिएट होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे फॉग फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे फिशिंग जोन बनता है इस जोन में जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेबराडोर यानी कि कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स मिलते हैं, यार दो अपोजिट चीजें गर्म पानी ठंडा पानी दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ही ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे फिशिंग जोन मिलते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिशिंग जोन कहाँ पे मिलते हैं, या ये पूछ सकते हैं कौन से दो करंट से मिलकर बनते हैं। तो ये हो गया अपने नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट्स की बात, वहीं हम साउथ अटलांटिक ओशन करंट्स की बात करें तो ब्राजील करंट जो कि ब्राजील के वजह से चलता है वो है वार्म करंट, वहीं फॉकलैंड करंट ये
ये कहां से आ रहा है, ये अब साउथ पोल से किधर आ रहा है, इक्वेटर की तरफ। तो ये क्या है, ये कोल्ड करंट है। क्या ये कोल्ड करंट, वहीं वेंजुएला करंट, क्या है वेंजुएला करंट, ये भी क्या है इसकी डायरेक्शन पोल से इक्वेटर तक। तो ये क्या है कोल्ड करंट है, क्या है ये कोल्ड करंट, फिर साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ये एक साइकिल। और वहीं अगर हम इसकी बात करें वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये सीधे इस तरीके से चलते हैं वेस्ट विंड इसी डायरेक्शन में। अभी इस डायरेक्शन में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई लैंड मास नहीं है, इस पूरे एरिया में कोई भी लैंड मास नहीं है, इसलिए इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, भैया जाने दो, इनका ग्रीन सिग्नल है, तो ये सीधे चलते जाते हैं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये हो गए अपने अटलांटिक ओशन करेंट्स की बात। इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं कुछ कोल्ड, ये जानना कि कौन से कोल्ड करंट्स हैं, कौन से वार्म करंट्स हैं। जो एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं वार्म करंट्स से कोल्ड करंट्स की, कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है। तो हमें बस इतना याद रखना है, पहले नॉर्थ अटलांटिक ओशंस के जो मेजर करंट्स हैं वो हमें पता है, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और कैनवे। और हमें पता है कैनवे क्या है, कोल्ड करंट है, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से पोल से इक्वेटर की तरफ। वहीं अगर हम साउथ की बात करें तो ब्राजील करंट, ब्राजील के बगल में मिल रहा है, फॉकलैंड करंट है जिसकी डायरेक्शन है साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ, तो ये कोल्ड करंट है। और वेंजुएला करंट भी कोल्ड करंट है। वहीं वेस्ट विंड की ड्रिफ्ट की बात करें तो ये सीधे इधर चलते हैं, ये भी वार्म करंट्स होते हैं, तो इनको क्या है ये, इनके कोई भी लैंडमार्क नहीं मिलता है इनके रास्ते में, इसलिए सीधे चलते जाते हैं। वहीं सार्गेसो सी को हमने जाना, और फिशिंग जोन कहाँ क्रिएट होता है वो हमने देखा। तो यहाँ अपना अटलांटिक ओशन करंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट्स हैं वो हमने जान लिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं करंट्स, कैसे इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, और कौन से करंट्स और एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। हमसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर तो पूछे जा सकते हैं कि करंट कैसे इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, ये हमसे पूछा जा सकता है कि करंट है जो कोस्टल एरियाज को कैसे इफेक्ट करते हैं। वहीं कौन से कोल्ड करंट से, कौन से वार्म करंट से, ये हमारे लिए जानना भी जरूरी हो जाता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।